Welcome to Falcon eSchool YouTube channel. Kindly subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर और वेक्टर्स पढ़ा था। अच्छा, वेक्टर्स का मैं कुछ बता दूं आपको, वेक्टर्स को किस तरह से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है कि कोई भी एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, इस तरह से शो किया जाता है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाता है, इसका ये हेड हो गया, ठीक है, ये हेड हो गया इसका और ये टेल, ठीक है। तो इस तरह से आपको किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कोई भी आदमी, ठीक है, वो चला है टूवर्ड्स नॉर्थ। मैंने आपके पास ऊपर यहां पे देखें बना दिया है, ये नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ डाउनवर्ड्स, लेफ्ट साइड पे ईस्ट और राइट साइड पे वेस्ट, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये किस तरह से शो होगा। अगर मैं कहता हूं कि अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो अब आप देखें, ये मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बता दी कि 5 किलोमीटर इसने वॉक की है टूवर्ड्स नॉर्थ। अब मैं इसको किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, मैं आप ये देख रहा हूं कि डायरेक्शन मेरी किस तरफ जा रही है। मैंने क्या किया, स्केल से 5 किलोमीटर को मैंने 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल सपोज किया कि 1 किलोमीटर किसके बराबर है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जाहिर सी बात है, अब आपके पास जो पेपर है वो 5 किलोमीटर के बराबर तो आप खींच नहीं सकते लाइन, तो आपको क्या कर दिया आपने, स्केल क्या बता दिया, 1 किलोमीटर किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो आपने क्या कर दिया 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी, ठीक है। और उसको किस तरफ डायरेक्शन कर दिया, नॉर्थ की तरफ। ये देखिए आप, मैंने कहा था टूवर्ड्स नॉर्थ, तो आपने नॉर्थ की तरफ इसका एरो कर दिया, ठीक है। ये टेल हो गई, ये इसका हेड कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये टूवर्ड्स नॉर्थ और ये आपने बता दी ये 5 किलोमीटर, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया जो कि आपको बता रहा है कि अ मैन वॉक्स टूवर्ड्स नॉर्थ 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर चला। तो आपके पास ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसकी, किसकी, आपने जो भी यहां पे लिखा था इस डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो आपके पास ये 5 किलोमीटर। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं टूवर्ड्स ईस्ट, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, वही यूनिट 5 किलोमीटर। अब मैंने देखा कि हाँ भाई आपके पास ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, अब मैंने देखा कि ईस्ट कहाँ पे है, मेरे पास लेफ्ट साइड पे। तो आपने सबसे पहले देखें, आप जब भी वेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपने जरूर बना दीजिए जहां पर डायरेक्शन दी गई होंगी, ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें कि आपके पास डायरेक्शन किस तरफ है। अब आपने देखा कि ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो हेड है वो कहां होगा, ईस्ट की तरफ होगा। लाइन ड्रॉ किया आपने, इसका हेड यहां पे रख दिया और ये टेल, ये आपके पास टेल ये हो जाएगी और ये हेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने ये देखते ही बता दिया क्या है, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये आपने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, 5 यूनिट लिख दिया किलोमीटर, और आपने डिस्टेंस लिख दिया टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। ये कहां मूव हो रहा है, ईस्ट की तरफ। तो ये इस तरह से आपके पास ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गई इस ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है उसकी, कि 5 किलोमीटर इसने। अब अगर ये डिस्टेंस चेंज भी हो सकता है, 5 किलोमीटर के बजाय अगर ये 15 किलोमीटर हो जाए, तो भी आपने क्या करना होगा, स्केल से मेजर करेंगे 15 सेंटीमीटर और लाइन ड्रॉ कर देंगे आप, तो इस तरह से आपके पास ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। अब एक बात और देखिए, ये तो सिंपल, अब आप देखिए एडिशन ऑफ स्केलर, जो अब स्केलर क्वांटिटीज हैं, उनको किस तरह से ऐड किया जाता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज को किस तरह किया जाता है और वेक्टर क्वांटिटीज को किस तरह किया जाता है। एडिशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज सिंपल, जो आप पहली क्लास से करते हुए आ रहे हैं, क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मास है आपके पास 15 kg एंड 2.5 kg, इनको ऐड करना है, तो उनको ऐड किस तरह से किया जाएगा, इनको सिंपल ऐड कर दिया जाएगा, किस तरह से, इनकी जो नंबर्स हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे, 15 + 2.5 क्या हो जाएगा, ये 17.5 kg,
यहाँ पे एंड हो जाएगा। ये स्केलर क्वांटिटी थी, आपने इनको ऐड किया, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ होता है, उसका यूनिट मैग्नीट्यूड लिखा होता है, उसका यूनिट उसको ऐड कर दिया और आपके पास सिंपल आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन आपके पास इसमें ऐसी जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात सुन? तो उसमें किस तरह से होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि अमैन पहले चला, अमैन बॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। सबसे पहले वो क्या हुआ, उस आदमी ने चलना शुरू किया नॉर्थ की तरफ, ठीक है। फिर देन मैन वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट कितने किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर, ठीक है। तो उसने कितने 6 किलोमीटर चला है और यहां 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर कहां चला है, नॉर्थ चला है। फिर उसके बाद ईस्ट कितने किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर। तो सबसे पहले आपने देखना होगा कि आपके पास क्या हो जाएगा, अब इसको किस तरह से ऐड करेंगे, आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट किस तरह से पता चलेगा, क्या उसके लिए आपके पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, हेड टू टेल रूल, ठीक है। हेड टू टेल रूल में क्या होता है, आप सबसे पहले देखेंगे आपके पास पहला स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है कि 6 किलोमीटर डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स है। आपने क्या किया, बता दिया 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, आपने बता दिया, अब आप देखेंगे अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ खींचे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये टूवर्ड्स कितने 6 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ की आपने एक वेक्टर बना दिया, ठीक है। यहां था, यहां से यहां चलना शुरू हुआ नॉर्थ की तरफ कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां पर पहुंच गया, अब क्या होगा भाई, अब उसने कहा कि जो मैन है वो चलना शुरू हुआ वहां पे 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब आप देखें इसमें आपके पास ईस्ट किस तरफ है, ईस्ट किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे। तो अब क्या हो जाएगा, ये ईस्ट की तरफ चलना शुरू हो गया कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ये आपने स्केल से मेजर किया और ये लिख दिया 10 किलोमीटर, ये ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में चलना शुरू किया। जब भी आपने वेक्टर्स को ऐड करना होगा कौन सा रूल अप्लाई होगा, हेड टू टेल रूल अप्लाई होगा, मतलब जो प्रीवियस का हेड है वो टेल से जाके मिलेगा अगले के टेल से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपके पास ये ऐड हो जाएगा। अब इस तरह से रिजल्टेंट किस तरह निकलेगा, इसका रिजल्टेंट निकलेगा आपके पास जो फर्स्ट वाला जो वेक्टर था उसकी जो टेल है उसको मिला देंगे आप लास्ट वाले के हेड से, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर मैं ये ले लूं कि ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ठीक है, तो आपके पास इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, आपके पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको मेजर करेंगे स्केल से तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तरीका था कि एडिशन ऑफ वेक्टर का, कि वेक्टर्स किस तरह से ऐड होते हैं और वेक्टर किस तरह से रिजल्ट किए जाते हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे चीजों को बढ़ाएंगे तो आपको क्लियर होती जाएंगी। मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी को समझ में नहीं आता वो शाम में 5 बजे आ सकता है, स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।